बिहार की राजनीति में हिंदुत्व विचारधारा की पार्टी भारतीय जन क्रांति दल डेमोक्रेटिव की एंट्री हुई है। पार्टी ने बिहार के 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पटना साहिब से राकेश दत्त मिश्रा और पाटलिपुत्र से युवा नेता बसंत सिंह राजपूत को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय वर्मा ने कहा कि परेशान करने के लिए हमारे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किया जा रहा है, अगर फिर से ऐसा हुआ तो भूख हड़ताल कर देंगे। मेरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व विचार के लिए जानी जाती है, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है। और नामांक वही हो गया, पाटलिपुत्र से कर रहे हैं। अच्छा, क्या जनता के बीच जाने जाते हैं अगर आप तो, मैं तो कुछ जनता की मेन समस्याएं क्या है ये बताइए। मैं तो हरदम जनता के बीच में ही रहता हूँ, इवन मैं भी एक आम आदमी हूँ और हमारे पार्टी के सभी लोग आम आदमी हैं और हम लोग हरदम जनता के साथ ही रहते हैं और जनता के बीच में ही रहते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है। मुख्य जनता का समस्या आपके सामने सबसे ज़्यादा क्या आता है? बेरोजगारी, सड़क नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारी ऐसी है, एजुकेशन नहीं है। क्या आप अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या करेंगे? मैं कहूँगा नहीं, करके दिखाऊँगा। मैं करने पर विश्वास करता हूँ, कहने पर नहीं। मैं बड़े बड़े नेताओं की तरह लंबा चौड़ा भाषण नहीं देता, मैं सिर्फ करने पर विश्वास करता हूँ। खगड़िया संसदीय क्षेत्र के बेलदौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सहरोन गांव में गत 7 मई को ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर वोट बहिष्कार कर दिया था। केंद्र पर ईवीएम तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया गया था। प्रशासन ने सैकड़ों अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई और अब चुनाव आयोग ने 10 मई को पुनर्मतदान कराने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में सभी प्रशासनिक अधिकारी नाव पर सवार होकर पहुंचे और मतदान के लिए ग्रामीणों को मनाया। नहीं, बिल्कुल ग्रामीणों का पूर्ण समर्थन है। सभी ग्रामीण आप देख सकते हैं, आप लोग खुद पूछ भी सकते हैं, सभी बहुत संतुष्ट हैं। और इनका जो मेन ग्रीवांस था उस बारे में भी हम लोगों ने जानकारी ली, वो नोट कर लिया है और आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश पे हम लोग आए थे और हम लोगों का आना काफ़ी सफल रहा। हम लोगों ने गांव में जो चीज़ें हैं उस चीज़ को अच्छी तरह से समझा है और अभी जो मेन है कि कल 10 तारीख को सुबह मतदान होना है, सुबह 7 से शाम 6 तक। उसके लिए ग्रामीण पूरे जोर शोर से तैयार है और आप चाहें तो एक बार फिर जोर से बता दीजिए कि आप लोग वोट देना चाहते हैं। सभी ग्रामीण नहीं, बिल्कुल। गया में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना बिहार इकाई द्वारा श्री परशुराम जयंती समारोह के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसे लेकर गया में शुक्रवार को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मौके पर मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जयकांत कुमार वत्स समेत अन्य लोग मौजूद रहेंगे। कल परशुराम भगवान का जयंती है। इनके उत्सव में पूर्व जयंती में हर एक साल होते रहता है और इनके कार्यक्रम में कल जो है शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा निकाला जाएगा। शाम के 5 बजे सभी भक्तजन आएंगे और शोभा यात्रा का आनंद लेंगे और शाम को प्रोग्राम भी है। सभी भक्तों को अनुरोध है कि सब लोग आवें और प्रोग्राम का आनंद लें और त्यागी बाबा श्री श्री 108 सियासरन दास महात्यागी का उसमें अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग आइए और जो मेन प्रोग्राम होगा उसमें भी भाग लीजिए, क्योंकि कल और भी विशिष्ट अतिथि और भी कई लोग आ रहे हैं जो कई अच्छे विचार देंगे और कल हर जाति से लोग आएंगे और हमारा ये भी जो यह जाति पाति का जो भेदभाव है हमारे यहाँ बिहार और पूरे भारतवर्ष में, तो इसको भी हम लोग ख़त्म करने के लिए हम लोग यह प्रोग्राम करेंगे। और इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत बड़ा मैसेज देना है कि पूरे भारत में मैसेज आए कि सभी हम हिंदू एक हैं, इस तरह के नारा हम कल देंगे। कल परशुराम भगवान का जयंती है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और तीन चरणों में लोकसभा के चुनाव अभी हो चुके हैं। 7 चरणों में कुल लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में पटना साहिब और पाटलिपुत्र समेत कई अन्य लोकसभा क्षेत्र में अंतिम चरण में चुनाव होंगे। नामांकन की प्रक्रिया यहां शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में आज पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के बाद कृष्ण मेमोरियल हॉल में जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें कई घटक दल के नेता मौजूद रहे। वहीं चिराग पासवान ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में एक बतौर उम्मीदवार भी हैं। वहीं चिराग पासवान ने आगे कहा कि मीसा भारती कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं और हार चुकी हैं। एनडीए उम्मीदवार के सामने वो फेल हैं। लोगों ने
कार्यकाल में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देने की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हम सबके मौलिक अधिकार तक छीनने का काम किया और आज ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे संविधान को हटा सके। और साथियों आज आप लोगों के सामने इस मंच पर खड़ा होकर मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर जिन लोगों ने संकटकाल में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या। जहानाबाद लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवर्षी ने गुरुवार को नामांकन किया। शहर के गांधी मैदान में इस दौरान आयोजित सभा में एनडीए के कई नेता पहुंचे। चिराग पासवान और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी साथ मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो मेरे छोटे भाई हैं, सभा में कुर्ता उठाकर वोट मांग रहे हैं। मेरी सलाह है कि पहले वो अपना सही ढंग से इलाज करा ले। महिलाओं के सम्मान में 50% का आरक्षण दे रहे हैं और दूसरे तरफ लालू प्रसाद जी का परिवार अपने घर से बहू को घर से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं और तब दूसरे बेटा को मंत्री बना दिया। और जब आदरणीय रामकृपाल यादव जी ने उनकी बड़ी बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा आरक्षण देकर इसको राज्यसभा भेज दो। और आजकल एगो टूरिस्ट बेटी आई है, टूरिस्ट बेटी समझ रहे ना, आजकल वो सिंगापुर से बेटी आई है। लालू जी जब जंगल राज बना दिए थे बिहार में इसी जंगल राज को छोड़कर उनकी बेटी चली गई थी सिंगापुर। और आजकल सिंगापुर से जब नीतीश और मोदी की जोड़ी ने पूरे बिहार की व्यवस्था को ठीक किया तो अब बेटी उनकी टूरिस्ट बनकर बिहार आ गई, अब उनको एमपी बनाओ। तो लालू जी का आरक्षण मैं और मेरा परिवार और नीतीश कुमार जी और मोदी जी का परिवार कौन है? पूरा बिहार। ये बिहार मोदी और नीतीश का परिवार है सर। कौन से छाप पर बटन दबाइए बताइए? तीन छाप पर। जब तीन छाप पर बटन दबाइएगा तो वो बटन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने तमाम विवादित मुद्दों को हल करने का काम किया, धारा 370 को हटाकर देश को एक अखंड भारत बनाने का काम किया। उन्होंने भगवान श्री राम को ऐसे ही, भगवान श्री राम 500 साल से टेंट में बैठे हुए थे। सोचिए पहली बार देश में कोई ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में नालंदा लोकसभा से इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले के प्रत्याशी डॉक्टर संदीप सौरभ के नामांकन के बाद बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र मैदान में नामांकन सभा का आयोजन किया गया जिसमें भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, किसान नेता योगेंद्र यादव, कांग्रेस विधायक नीतू देवी के अलावे राजद नेता उदय नारायण चौधरी और शक्ति सिंह यादव मौजूद रहे। नामांकन सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि मीडिया, प्रशासन, ईडी सभी बीजेपी के साथ है। सुप्रीम कोर्ट आज चुप बैठा है जबकि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ खड़ा है। इन सभी का हिसाब चुनाव में जनता लेने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इन सबों का हिसाब लिया जाएगा। आज सभी एजेंसियां बीजेपी के साथ खड़ी हैं लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ देश की करोड़ों जनता खड़ी है। बहुत साफ कर दिया, संकेत बहुत स्पष्ट है, ये तानाशाह लड़ रहा है और तानाशाह को एक मजबूत धक्का देने की जरूरत है। और एक चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये जो चार चरण बचे हैं और चारों चरण में बिहार है, चारों चरण में बंगाल है, चारों चरण में उत्तर प्रदेश है। अभी झारखंड का चुनाव शुरू नहीं हुआ, झारखंड भी है तो बिहार, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से हम लोग अगर तय कर ले कि बस एक एक चरण में हर सीट पर एक एक वोट से हम इस बात को गारंटी करेंगे कि इस बार 4 जून को जब चुनाव का परिणाम सामने आएगा वो चाहे ईवीएम में जितने हेराफेरी करने की कोशिश हो, चुनाव आयोग
के ऊपर इस देश की जनता की आवाज बोलेगी, इस देश के लोग